नमस्कार, फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुँचे हैं बड़ौली शहर का गांव है और मूल निवासियों से ज़्यादा अब किराएदार यहाँ रहते हैं। दो रोज़ पहले एक बड़ी ही विभत्स घटना यहाँ घटी है। कहते हैं कि माँ विमाता जो होती है, सौतेली माँ जो होती है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। ऐसी एक घटना यहाँ घटी है। बात करेंगे, सुनवाएंगे आपको कैसे एक 4 साल के बच्चे को गला घोट कर मार दिया गया। ये जो कमरा आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जो कमरा आप देख रहे हैं ताला लटका है। इसी कमरे के भीतर ये परिवार रहता था। और ये शायद क्या नाम था जी इनका, क्या नाम था इनका बच्चे का, बच्चे के पिताजी का? देवी। देवी। हाँ। तो ये देवी की दूसरी शादी थी? ये तो मुझे पता नहीं सर, नहीं जानकारी। हाँ। तो पुलिस वुलिस आई थी यहाँ? हाँ, ऐसी तो 2-3 बार पुलिस आ चुकी है, गिरफ्तार करके ले गई। हाँ। 4 साल का बच्चा था वो? हाँ, 4 का था। क्या नाम था बच्चे का? अक्षय। 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 हाँ। ठीक ठाक था बच्चा? हाँ, बच्चा ठीक ठाक था। थोड़ा बुखार उखार आया था, दवाई ववाई दिलवा दी, दवाई खा के सो गया। सो गया तो क्या, काम ही हो गया। और गला घोंट दिया बेचारे इस बच्चे का सोते सोते। कितनी उम्र है इसकी, महिला की? ये जो मुझे पता नहीं इतने कितनी उम्र है। नहीं, ये जो औरत है इसके नाम, इसका नाम नहीं जानती हैं आप? इसका नाम ये तो पता नहीं मुझे, पता खुशबू करके बोल देते हैं वो। सास के लिए असली नाम क्या, वो तो पता नहीं मुझे। खुशबू? हाँ, असली नाम नहीं पता क्या नाम। रहने वाले हैं ये लोग? ये तो मुझे पता नहीं कहाँ के, वो पीछे से नहीं जानते। नहीं, पड़ोस में रहते हैं तो आपको ये तो रहता होगा कि कौन है ये, क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। अभी ऐसा दूसरे को क्या पता कहाँ के हो क्या, इतना हम वो नहीं रखते ना किसी से मतलब। अब इतना कहीं देखता नहीं मुझे, अपने कमरे में अभी बैठी हूँ, बाहर निकल के एक्सीडेंट हो गया ना आपका। हाँ। आपको कहाँ लग गई, चोट लग गई? नहीं, यहाँ सिर में लगी थी ना, यहाँ ड्यूटी जा रही थी तो गाड़ी ठोक तो चलोगे। बात करेंगे, बच्चा मार दी ये, इसको पता है जो दुकान खोल रहा क्या ना? हाँ, दुकान वाले भैया जानते हैं तो आपको सुनवाएंगे। भैया पूछेंगे, भाई साहब हैं यहाँ बड़ बड़ा, राम राम जी। भैया ये बच्चा मार दिया? हाँ। है, कहाँ के रहने वाले? पता नहीं है, ये नहीं पता। पुलिस आई थी? आई परसों, पहले दिन आई दिखे, ले गई उन्हें, पकड़ के ले गई उसको। लेडीज पुलिस भी आई थी? और बाबा पता ना, मेरे को पता नहीं है। बच्चा मार दिया गला घोट के? हाँ, मार दिया, मेरे को पता ही नहीं है, मैं यहाँ तो पूछ रहा हूँ यार। अच्छा, मतलब आपने भी सुनी है, आपको भी इसके घटना के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। कहाँ रहते हैं? कौन जिन्होंने मारा है? हाँ, शायद यहाँ इस कमरे में क्या था फिर? यहाँ मैं रह लगे आके, हमारा यही दिखे छोरा है ना। हाँ, ऐसे ही है, मैंने भी ऐसी सुनी। बैठी हैं छोटे छोटे बच्चे, गांव में ऐसे ही खेलते रहते हैं। बात करेंगे उनसे, अम्मा बैठी हैं और ग्रामीण लोग हैं, बात करेंगे। अम्मा राम राम। अम्मा ये बालक मार दियो? देखो जी, हमें तो पता ना, बेकार हैं? हमें पता ना, हम तो जंगल को चले जाएं। पर सुनी तो होगी तुमने भी? अब सुन रहे हो तो दुनिया सुन रही है, हमें पता हो, ऐसी पता हो ना। अकेले 4 साल को बालक है? 4 साल को बालक पता ना, पता ना हमें तो नहीं सुने, बस सुन रही है रही दुनिया में। फरीदाबाद पुलिस ने जिस महिला पर आरोप है उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आम तौर पर ये जो इलाके हैं, ये जो गाँव हैं, यहाँ जो किराएदार रहते हैं, एक तो उन किराएदारों के बारे में कोई वेरिफिकेशन कभी होता नहीं है, पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, अड़ोसी पड़ोसियों को कोई जानकारी नहीं होती कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आकर यहाँ बसे हैं। और उनकी वजह से वहाँ गांव का, देहात का जो माहौल है वो भी निश्चित रूप से ख़राब होता है। भाई साहब हैं, बात करेंगे। बच्चा मार दिया? पता नहीं मुझे तो, नहीं तो जानकारी नहीं। अखबार में भी नहीं पढ़ा आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। बहुत बड़ी घटना है? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। हमारा तो पशोक होगा, माँ ने मार दिया, सौतेली माँ ने मार दिया। नहीं,
आप देख सकते हैं पूरे गांव में तमाम लोग यहां खड़े हैं, मौजूद हैं, लेकिन अपने आसपास की घटनाओं के प्रति कितनी असंवेदनशीलता है ये आप देख सकते हैं। फरीदाबाद पास पड़ोस के घरों में क्या हो रहा है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं रही, क्योंकि अब हर व्यक्ति को अपने से ही फुर्सत नहीं है। ऐसे विभत्स, आप सोचें 4 साल के बच्चे को, उसकी क्या कोई लड़ाई होगी, क्या कोई झगड़ा होगा किसी के साथ, 4 साल के बच्चे ने क्या किया होगा। और पड़ोसियों से पूछने की कोशिश करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं और पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद कोई कुछ और बता पाए, यहाँ रहने वाले लोग कुछ और इस पर प्रकाश डाल पाएं। ये हैं, बात करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, पड़ोस में थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम आपका? मेरा गोविंद। गोविंद जी, गोविंद जी, क्या हुआ ये? क्या हुआ सर, अब जो हादसा हुआ है उसको पहचान है हमको, और उसके आगे पहले तो हम कुछ नहीं जानते, हम तो सो गए थे अपने घर में। ये तो जो कुछ घटा इनके अपने कमरे में ही घटा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। ये क्या नाम थी महिला का, क्या नाम? वो तो बोलते थे मेरा नाम खुशबू है, ऐसे बोलती थी। हाँ, पर खुशबू लगता नहीं था कि उसका नाम खुशबू होगा। पता नहीं सर, लेकिन वो तो बोलती थी हमसे सच के नाम बताओ, ऐसे बोलती थी, तो मेरे नाम नंटी खुशबू है, ऐसे बोलती थी हमसे। अच्छा, जब आप पूछते थे कि आपका सच का नाम बताओ, तो ऐसे बोलती थी। कोई व्यक्ति इस तरह की मानसिकता के साथ रहता है, तो कभी कोई आपको उसके व्यवहार में कभी ऐसा लगा कि वो निर्दयी है, क्रूअल है? तो नहीं लगा सर, ये तो पहले बार है, लेकिन ऐसे नहीं लगते थे सर। हाँ, आप जानते थे कि बच्चे इसके नहीं हैं? हाँ, वो तो जानते हैं हम तो। हाँ, जानते थे, ये तो पता है इसके बच्चे नहीं है। कितनी उम्र थी ये? अब पता नहीं सर कितनी उम्र है, उसकी उम्र पता नहीं है सर। शहर की थी? हाँ, अब वो तो बोलते थे आपके मायके कहाँ है, ऐसे बोलते थे, तो मेरे मायके मुंबई में है, मुंबई में। मुंबई? हाँ, वैसे बोलते थे सर। अच्छा, हाँ, तो मुंबई से फरीदाबाद आ गई हैं? तो एक सवाल है। अब फरीदाबाद आ गई मतलब अपने पति पत्नी ना यहाँ रहते थे दोनों, फरीदाबाद आ गई। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा बच्चा वो? ये भी 4 साल का है सर। हाँ, और उसके बच्चे भी जो मर्डर किए है वो भी 4 साल का था। हाँ, तो कितने समय से रह रहे थे यहाँ पे? अब वो तो पहले रहता था सर, फिर नहीं रहते थे यहाँ। अभी ना अभी हफ्ते हुए है उसको आए, ये कमरे जब आया। हाँ, ये कमरे ना लिए अभी हफ्ते हुए है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं सर। हाँ, और वो तो ऑफिस जाते थे, पता नहीं कहाँ के ऑफिस जाते थे, वो तो 9 बजे रात में आते थे, और 9 बजे रात में हम खाकर सो जाते थे। दोनों मियाँ बीवी, दोनों मियाँ बीवी जाते थे। और बच्चे यहीं रहते थे घर में? बच्चे तो यहीं रहते थे। तो बच्चे किसके पास रहते थे? बच्चे बुआ के पास रहते हैं अभी, बुआ जो बुआ वो वहाँ बैठे नहीं है, वही बुआ है, उसके पास रहता है। अच्छा, वो बच्चे की बुआ है? और उसके बड़ी मम्मी पापा उस कमरे में है। अच्छा, हाँ, तो परिवार यहीं? सब परिवार यहीं है सर। ऐसे है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सरोज है सर, सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन जिले से हैं? छत्तीसगढ़ बिलासपुर के हैं सर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हैं, रायपुर में। अभी अभी निवास रायपुर में है, ससुराल में है। पहले अपने जगह में रहते थे बिलासपुर जिले में। मतलब बिलासपुर मेरे ससुराल है सर, और रायपुर मेरे मायके हैं। रायपुर मायके है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, उस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानवता को झकझोर देती हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।